नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहिमा। पूर्णिया से संवाददाता शक्तिमान कुमार की रिपोर्ट। धमदाहा थाना क्षेत्र के खनुआ गांव में दहेज के भेंट चढ़ी तीन बच्चों की मां। मिली जानकारी के अनुसार थारी राजो पंचायत के चंद्रही वार्ड नंबर 15 निवासी गुलशन खातून उम्र 60 वर्ष ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्री की शादी 3 वर्ष पूर्व खनुआ निवासी मोहम्मद मुर्शीद अंसारी पिता स्व इस्लाम अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दोनों परिवार वालों की रजामंदी के साथ कराई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनकी बेटी को उसके पति एवं उसके ससुराल पक्ष प्रताड़ित करने लगा। कई बार पारिवारिक तौर पर समझा बुझा कर सुलह का प्रयास किया गया मगर सुधार नहीं हुआ। खनुआ गांव के लोगों ने बताया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। मृतक की मां अपने कुछ लोगों के साथ खनुआ गांव पहुंची तो देखा कि उनकी बेटी बरामदे पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मृतक के गले में रस्सी का निशान लगा है। ग्रामीणों के द्वारा धमदाहा थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही धमदाहा पुलिस प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया। वहीं मृतक की मां ने मुर्शीद अंसारी, पिता इस्लाम अंसारी, मुन्नी खातून, पति मोहम्मद फाओ अंसारी, रुखसाना खातून, पति खुशो अंसारी, रूबिया खातून, पिता इस्लाम अंसारी, दुलो अंसारी, सभी खनुआ निवासी का नाम दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया। के मारा है? पति भी। क्या नाम है उसका? जवारी लगाया था। क्या नाम है उसका पति का? कहाँ के रहने वाला है? कब की घटना है? कब की घटना है? 4 बजे की। किसका नाम था? क्या मामला, कैसे कैसे घटना है? सर यही है कि खनमा का रहने वाला इसका जमा है। अच्छा। जो लेडीज को आप देख रहे हैं इसका जमा है। इसका बेटी को कल शाम में जैसे यहाँ से गया, टेम्पू चलाता है, वो टेम्पू चला के घर गया। उसको बोला क्या राशन सब लाइए, कल पर्व है सुबह, तो वो बोला क्या राशन सब नहीं लाएंगे। वो पी के फूल था, दारू पी के, ठीक है। उसके मैटर में मारपीट किया, झगड़ा झाटी थोड़ा बहुत हुआ। उसके मैटर में रात में उसको ऐसे फांसी से गला दबा के मार दिया। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को सर ऐसे पता चला कि उसका गाँव का कोई आदमी सब ऐसे जो हराता है रिश्तेदार सब ऐसे ही कॉल आया उधर से। उसके बाद हम लोग को पता चला रात में 10-11 बजे सर, घटना हुआ 8 बजे ही हमको पता चला, वही 10-11 बजे रात। क्या पोस्टमार्टम हो गया है? जी सर हो गया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है थाना में? जी सर। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम फितनी खातून। कहाँ की रहने वाली है? चंद्र रविशा खातून। कहाँ की रहने वाली है? चंद्रही का सर, वार्ड नंबर 14। उनका पति का क्या नाम है? उनका पति क्या नाम है? मुर्शीद, मोहम्मद मुर्शीद अंसारी। क्या मृतक का बच्चे भी है क्या? 3 बच्चे हैं सर। कितने एज का है? बच्चा यही है जी सर, वही 3 साल, 2 साल, 1 साल। थर्मा में इस्लाम अंसारी का पिता मोहम्मद मुर्शीद अंसारी के साथ हुआ था, तो बहुत अच्छा चल रहा था रिश्ता। कुछ दिन के बाद जो है 2-3 बच्चे हैं अभी उसको, और जो है थोड़ा ये दारू वारू भी पीता है जिस कारण से वो मारपीट करने लगा। और जो है जी मेरी चाचा की रविशा खातून को, वो अपनी पत्नी रविशा खातून को मारपीट करने लगा। उससे जब पता किया गया कि आखिर क्या रीज़न है, आखिर ये मारपीट क्यों करता है, इसका कारण वो बताया कि मतलब जो है ये जो है कभी कभार भेज के बारे में भी मांग करता, और जो है दारू पी कर आया था 20 तारीख को शाम में, और जो है उसे बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो उस समय घर जिस कारण से अंत लास्ट में जो है उसको दबा करके रस्सी का दाग था, जो हम लोग जब रात में गए थे रस्सी का दाग था उसके दबा करके हम लोग गए तो मरा हुआ था, वहाँ दाग लेके गए। सब कहाँ बरामद हुआ था जी? सब कहाँ बरामद? धनमा में, मतलब ससुराल में ही मिला था? ससुराल में हनुमान सर मोहम्मद इस्लाम अंसारी के। आगे क्या प्रक्रिया की? आगे प्रक्रिया हम लोग जब रात में पहुंचे वहां देखे तो हम लोग देख करके बस आ गए। उसके बाद जो है जब सुबह हुई तो हम लोग बहुत लोग थाना आ गए और जो है यहां एप्लीकेशन दिए। पहले थाना में कब सूचना दी जी? थाना में कब सूचना दी? सुबह में 20 तारीख रात सुबह 20 तारीख को सुबह में थाना में एप्लीकेशन दी। यहाँ से गया वहाँ तीन गाड़ी
पुलिस वाले गए वहाँ पे, वहाँ से जांच पड़ताल करने के बाद फिर जो है भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से लेकर आए। तो अभी हम लोग सब लेकर घर गए हैं। Watching Our Voice News for daily news updates, and do follow, like and share this video. Thank you.